Guys, this is Swati. Welcome back to my channel, and today I am going to explain you part 2nd of chapter 16. So friends, let's get started. Further started, I will say with some words to you. I hope you like my channel. If you like my channel, please hit the like button and subscribe my channel. So friends, let's get started. Remembering those days, purani yaadein. When Narayan Babla was about 11 years old, he was staying in Gandhi Ji Sabarmati Ashram. जब नारायण यानी कि बबला, नारायण का जो घर का नाम था वो बबला था, जब वो 11 साल का था तो वो गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहता था. Like everyone else in the ashram, he had to do various kinds of work. जैसे आश्रम के और लोग काम करते थे, वैसे ही बबला को भी सारा काम करना पड़ता था. वन ऑफ हिज जॉब वॉज टू टीच द गेस्ट हाउ टू क्लीन द टॉयलेट्स. और उसका एक उनमें से एक काम था मेहमानों को टॉयलेट साफ करने का, साफ करना सिखाना. इन दोज डेज द टॉयलेट्स वर नॉट व्हाट वी नो टुडे. तब के जमाने में जो टॉयलेट्स थी वो अब नहीं होती, सॉरी अब के जमाने में जो टॉयलेट्स है वो उस समय ऐसे टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे. देयर यूज टू बी होल्स अंडर विच बास्केट्स वर केप्ट. वहाँ के उस समय के टॉयलेट में होल होते थे जिसके नीचे टोकरियाँ रखी होती थी. पीपुल सेट ऑन द होल्स लेटेड द बास्केट्स हैड टू लिफ्टेड बाय हैंड टू बी एम्प्टीड. लोग उस होल के ऊपर बैठते थे और उसके बाद से वो खुद ही अपनी टोकरियाँ उठा करके ले जा करके जो जहाँ पे फेंका जाता था वहाँ पे ले जा करके फेंकते थे. इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपुल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क. आमतौर पर तो ये एक ही समाज के लोगों का काम होता है ये सारा काम. बट इन गांधी जी आश्रम एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू द कंपोस्ट पिट एंड एम्प्टी इट देयर. लेकिन गांधी जी के आश्रम में हर किसी को ये काम खुद करना होता था. वो उस टोकरी को उठा करके खाद बनाने वाले जगह पे ले जा करके डाल देना होता था. नो वन वाज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम दिस टास्क नॉट इवन द गेस्ट. कोई भी इस कार्य से मना नहीं करता था, जो भले वो मेहमान ही क्यों न हो. नारायण भाई रिमेम्बर्स हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क. नारायण भाई को आज भी याद है कि कैसे लोग बहाने बनाया करते थे, ये काम ना करना चाहते थे, कतराते थे काम करने से. Some even left the ashram because of this. कुछ लोग तो ये काम ना करना पड़े इसलिए आश्रम ही छोड़ करके चले जाते थे. Some years later, Gandhi ji went to stay at a village. कुछ साल बाद गांधी जी जो है एक गांव में रहने के लिए गए, नियर वर्धा इन महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास में था. गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर्स स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज. वहां पर जाकर के गांधी जी और महादेव भाई और लोगों ने मिल करके उस गांव के टॉयलेट्स को साफ करना शुरू कर दिया. They did this for some months. वो यह काम कुछ महीनों तक करते रहे. One morning a man coming from the toilet saw महादेव भाई. एक दिन एक आदमी टॉयलेट से वापस आ रहा था तो उसने महादेव भाई को देखा. He pointed to him and said, "There is a lot of dirt over there. Go and clean that." वो उंगली दिखाते हुए बोला कि वहां पर ज्यादा गंदगी है, वहां जाकर के उसको साफ कर दो. When Babla saw this, जब बबला ने ये देखा, this he was very angry, तो उसे बहुत गुस्सा आया. He thought the villagers felt that this was not their work, this was for Gandhi ji and his team to do. वो उसने सोचा, किसने, बबला ने सोचा कि ये गांव वाले ये सोच रहे हैं कि ये उनका काम नहीं है, ये तो गांधी जी और उनके जो ग्रुप के उनके जो सदस्य हैं उनका काम है ये साफ करना. He asked Gandhi ji, why this was so? ऐसा क्यों हो रहा है? Gandhi ji replied, untouchability is a serious matter. छुआछूत का भेदभाव जो है वो छोटी सी बात नहीं है. Lot of hard work will be required to change this. हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको बदलने के लिए. नारायण knew that the people who usually did this work were thought to be untouchable. नारायण ये जानता था कि ऐसा काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है. He asked, what is the use if the village people do not change their thinking? अगर हम अगर गांव पर वह यह नहीं जानते समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे. दे हैव बिकम यूज्ड टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क ऑफ देम. वो ये सोच रहे थे कि यह गंदा काम और कोई हमारे अलावा यह लोग करें. गांधी जी रिप्लाइड, व्हाई डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट. तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि जो ये काम कर रहे उनके लिए भी ये फायदा है. दे ऑल्सो लर्न अ लेसन. उनको भी एक सीख मिल रही है. टू लर्न समथिंग इज लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल. कुछ सिखाने के बदले अगर कुछ सीख रहा है, जो
कुछ सिखाने के बदले अगर कोई और भी कुछ सीख रहा है, नई चीज सीख रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इवन इफ इट इज अ क्लीनिंग जॉब, भले ही वो कोई सफाई का ही काम क्यों ना हो। लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस्ड, जो छोटे नारायण थे वो बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं थे। ही अगेन आर्ग्यूड, फिर वो बहस करने लगे। दोज हू मेक अ प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन इट शुड ऑल्सो लर्न लेसन, और उनको भी सबक सीखना चाहिए, उनको भी सीख लेनी चाहिए जो कि गंदा करके गंदगी करते हैं और साफ भी नहीं करते हैं। गांधी जी और नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस। गांधी जी और नारायण के बीच में इस तरह से बहस चलती रही। बट व्हेन ही ग्रू अप, नारायण ऑलवेज फॉलोड द पाथ शोन बाय गांधी जी। लेकिन जब नारायण बड़े हुए तो वो हमेशा गांधी जी के ही रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। चाइल्डहुड स्टोरी, बचपन की कहानी, एक बचपन की कहानी। दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, यह एक कहानी करीब 100 साल पुरानी है। 7 ईयर ओल्ड भीम वेंट टू गोरेगांव इन महाराष्ट्र विद हिज फादर टू स्पेंड हिज हॉलीडे। 7 साल का भीम जो है वो गोरेगांव गया था, महाराष्ट्र के गोरेगांव गया था अपने पिता के साथ छुट्टियां बिताने के लिए। ही सॉ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ अ रिच फार्मर्स बुफेलो। उसने एक नाई को देखा जो कि एक अमीर किसान के भैंस की बाल को छिल रहा था, उसके खाल को छिल रहा था। ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर, तो उसे अपने लंबे बाल याद आ गए। ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क्ड फॉर अ हेयर कट। वो नाई के पास गया और उसने कहा कि मेरे भी बाल लंबे हो गए, मेरे बाल भी काट दो। द बार्बर रिप्लाइड, तो बार्बर ने जवाब दिया, इफ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी, तो मैं और मेरा उस तरह दोनों गंदे हो जाएंगे। ओ सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग एन एनिमल्स हेयर। तो जो भीम था, भीम जो थे वो बोले कि अच्छा, मतलब हम इंसानों के बाल काटना जो है वो जानवरों के बाल काटने से भी गंदा होता है। वंडर्ड लिटिल भीम, और वो यही सोचने लगा। लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नोन एज भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। आगे चलकर यही छोटा भीम जो है भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर बना। ही बिकेम वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। बाबा साहेब फॉट फॉर जस्टिस फॉर पीपुल लाइक हिम। बाबा साहेब जो है वो अपनी लड़ाई लड़े अपने जैसे लोगों के लिए। आफ्टर इंडिया फ्रीडम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब। भारत का जब संविधान बना था जो, वो बाबा साहेब के ही नेतृत्व में लीडर था, उसी के बेसिस पे बना था। बाबा साहेब की ही अगुवाई में हमारे देश का संविधान तैयार किया गया था। नारायण एंड गांधी जी डिस्कस्ड ऑल दिस मेनी इयर्स अगो, हैव दिस थिंग्स चेंज्ड नाउ। नारायण एंड गांधी जी ने इन सब बातों पर बहुत पहले बात की थी, क्या अब वो सारी हालात बदल गए हैं? ये सारी बातें हैं, सीखते हैं फ्रेंड्स। अ कन्वर्सेशन इन स्कूल, द रियलिटी टुडे। स्कूल में एक बातचीत, आज का सच। हेतल, आई एम हेतल एंड दिस इज मीना। मैं हेतल हूँ और ये मीना है। वी बोथ स्टडी इन क्लास 3, हम दोनों तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। क्वेश्चन, what all do you do in school? तुम स्कूल में पढ़ाई के अलावा क्या क्या करते हो? मीना, वी क्लीन द ग्राउंड, हम ग्राउंड साफ करते हैं। हेतल, नहीं सॉरी, क्वेश्चन, डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन, क्या सब बच्चे साफ करते हैं? हेतल, नो नॉट एट ऑल, नहीं सब बच्चे नहीं करते हैं। मीना, वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स, हमें टॉयलेट भी साफ करने पड़ते हैं। वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज, और हमको ये दिन बाद दिए गए हैं और अपने अपने दिन पे हम साफ सफाई करते हैं। आई क्लीन ऑन मंडे, मैं सोमवार को साफ करती हूँ। सी डज ऑन ट्यूजडे, यह मंगलवार को साफ करती है। एंड शी ऑन वेडनेसडे, और वो बुधवार को साफ करती है। ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस, हमारे समाज के सारे बच्चे यह सब काम करते हैं। हेतल, We have to carry 20 buckets of water for this, और हमें इसको साफ करने के लिए 20 बाल्टी पानी ढोकर के लाना पड़ता है। We have to sweep and wash, हमें झाड़ू करना पड़ता है और धुलना भी पड़ता है, इसको साफ भी करना पड़ता है पूरा। क्वेश्चन, why only you, तुम ही क्यों? Why not all the children, सभी बच्चे क्यों नहीं करते हैं? हेतल, only we have to do, हमको ही करना पड़ता है। If we don't, we get bitten, अगर हम यह काम नहीं करेंगे तो हमें मार पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 16 का सेकंड पार्ट भी मैं यहाँ पे
खत्म कर रही हूँ। इसके आगे इस पार्ट इस लेसन का क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।